कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में वर्णित भगवान श्री ऋषभ देव जी के उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पण। और इस क्रम में आप सुनते चले आए हैं कि ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है, जहां उन्होंने एक बात पर बार बार जोर दिया है, और वो यही कि ये जो नर देह है वो भगवत आनंद को प्राप्त करने के लिए मिली है। ये जो नर देह है वो भगवान का पार्षदत्व प्राप्त करने के लिए मिली है। ये जो नर देह है इसकी प्राप्ति भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करने के लिए ही हुई है। इसके अलावा इस नर देह को, इस मनुष्य देह को पाने का और अन्य कोई भी कारण नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, है ना? बारंबार ये बात बताई गई है। हम पिछले कितने ही श्लोकों में ये चर्चा करते चले आए हैं, जहां पर ऋषभ देव जी ने ये बताया कि ये जो इंद्र तृप्ति है ना, इंद्र तृप्ति जो हमने मुख्य उद्देश्य बना रखा है इस मनुष्य देह को पा करके, यही भयंकर चीज है। और इसके अनेक कारण हैं, है ना? इंद्रियों को सब कुछ समझ लेना, शरीर को सब कुछ समझ लेना, और शरीर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सब कुछ समझ लेना, बस इस एक गलत पहचान के कारण सब कुछ गलत हो जाता है। कोई नहीं जानना चाहता आत्म तत्व को, बस भोग भोग और अंधाधुंध भोग। और इसी भोग को प्रश्रय देते हैं, इसी भोग की इच्छा को बढ़ाते हैं हमारे आसपास के लोग और हमारी अनेक अनेक शैक्षिक संस्थाएं भी, कि अगर हम महान भोगी बन गए, बहुत अच्छा पैसा कमाया और बहुत अच्छा भोग किया, विलासी तक जीवन जिया, तो हम सफल हैं वरना बेकार हैं। कोई भी ऐसा नहीं है समाज में जो ये बताए कि नहीं, सबसे ज्यादा सुख है त्याग में, और मात्र त्याग में भी नहीं अपितु भगवान की संतुष्टि के लिए त्याग में। लेकिन एक बहुत ही अच्छे पिता हैं ऋषभ देव जी, भगवान के अवतार हैं, इसीलिए बड़ी ही कृपा पूर्वक वो हम सबको बता रहे हैं कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ हमसे गलती होती है, सकाम कर्मों में हम क्यों फंस जाते हैं, जबकि आए थे हरि भजन को, है ना? पर चूंकि सकाम कर्मों में बुद्धि फंस गई, इसीलिए मन अशुद्ध रहता है, और अशुद्ध मन में कभी भी हरि स्मृति नहीं उभरती, हरि कथा अच्छी नहीं लगती, हरि भक्त अच्छे नहीं लगते। बस अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो यही कि इंद्र तृप्ति को कैसे किया जाए, बस और कुछ नहीं। तो हमने पिछली दफा सुना था जहां पर महाराज ऋषभ देव ने कहा था कि जब तक जीवात्मा तमोगुण से ढका रहता है, तब तक वो ना तो खुद को समझ सकता कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। पूरी उम्र बीत जाती है, 80-90 साल के लोग हो जाते हैं, शरीर ऐसा हो जाता है जर्जर, तो भी उसकी आशा कि कल अच्छा होगा ये नहीं छूटती है। वो पहचान ही नहीं पाता है कि मैं आत्मा हूं, और परम आत्मा को पाने के लिए, उन तक जाने के लिए मुझे ये देह प्राप्त हुई है। इसीलिए कह दिया था ऋषभ देव जी ने कि प्रीतिर ना यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत, कि जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी,
छठे श्लोक में है कि जब तक मुझ वासुदेव से प्यार नहीं होता तब तक देह बंधन को स्वीकार करना ही पड़ेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। और देखिए भगवान ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे अंदर ये प्यार नामक वस्तु रखी है, और इस प्रेम को हमने अविद्या के कारण, गलत पहचान के कारण, देह को ही मैं समझ करके और दैहिक को ही सब कुछ समझ करके उनमें खपा दिया, देह में खपा दिया इस प्रेम को और दैहिक में खपा दिया। जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे प्रेम कर बैठे और वस्तुतः प्रेम भी कहां कर पाए। प्रेम की तो परिभाषा ये है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ये प्रेम कभी जरा भी नहीं घटे, जरा भी नहीं। और हम देखते हैं कि इस दुनिया में किसी से भी क्यों ना प्रेम कर लें, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी हमारे प्रतिकूल होता है तो हमारा उसके प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है। तो ऐसा प्रेम भला प्रेम है क्या? तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मुझ वासुदेव से प्रेम करो, एवं मनः कर्म वशम प्रयुंक्ते अविद्या यात मन्युपधीयमाने प्रीति ना यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। सीधी सी बात है, अगर मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है तो फिर देहों का बंधन कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों है देह का बंधन हम पर? अगर हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान सच्चिदानंदमय हैं, हम भी उनके सच्चिदानंदमय अंश हैं, तो फिर देह का बंधन हमें क्यों स्वीकारना पड़ता है? जबकि भगवान को तो कोई देह का बंधन नहीं है, वो तो संभवामी आत्म माया है, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से अपनी लीला समेट लेते हैं। तो वो तो तीन गुणों के परे हैं, हमें क्यों तीन गुण स्वीकारने पड़ते हैं? तो सीधा सा जवाब यही है, क्योंकि हमारा मन मनुष्य देह पा करके अनंत वासनाओं से युक्त हो जाता है। हम अनंत वासनाएं अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, अनेक इच्छाएं, है ना? और याद रखिए, अनंत 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 वासनाओं के कारण अनंत कर्म बनते हैं, अनंत कर्मों के कारण अनंत पाप और पुण्य बनते हैं। कुछ फलोन्मुखी होते हैं, यानी जिनके फल मिलने वाले हैं, उन्हें प्रारब्ध कहते हैं कि इनका फल इस जन्म में मिलेगा, और बाकी रहते हैं संचित, यानी जमा रहते हैं। अगर कोई ये सोचे कि चलो मैं इस जन्म में अपने प्रारब्ध भोग लूंगा तब तो कट जाएंगे, तो सीधी सी बात यह है कि हाँ, जब उसे भोग लेंगे तो फिर और एक नया सेट आ जाएगा प्रारब्ध का, क्योंकि कुछ और कर्म फलोन्मुखी हो जाएंगे, वो आ जाएगा। इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। अगर कोई सोचे कि चलो कभी तो खत्म होगा, कभी तो मैं सब कुछ भोग लूंगा, तो फिर से इसका उत्तर यही है कि जब तक भगवान से प्यार नहीं होगा तब तक देह और अपने आसपास के लोग, माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे और भी लोग, उनसे प्यार होगा, उनसे आसक्ति होगी, उनके लिए विभिन्न प्रकार की वासनाएं हमारे हृदय में उपजेंगी ही उपजेंगी, और ये वासनाएं पकने लगेंगी और हृदय में जाकर के इकट्ठा हो जाएंगी, नए कर्म बन जाएंगे, और ये नए कर्म फिर से बैंक में जमा हो जाएंगे और फिर से ये भोगने पड़ेंगे। विभिन्न प्रकार की भोग योनियां मिलेंगी, 84 लाख योनियां, जहां कोई कर्म नहीं बनेगा, जहां कोई वासना नहीं बनेगी, चाहे हम देवता ही बन जाएं, चाहे हम विभिन्न प्रकार के 84 लाख योनियों में चले जाएं, वहां कोई कर्म नहीं बनता, सिर्फ भोग योनि है वहां। तो कर्म कहां बनता है? तो कर्म बनता है नर देह में, यहां बनता है कर्म। तो इस कर्म की गिरफ्त से कैसे छूटा जा सकता है? ये तो बहुत बड़ा जंजाल है। बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ा जंजाल है, इससे छूटा नहीं जा सकता। कब तक? जब तक कि वासुदेव से प्रीति नहीं होती। यही तो कह रहे हैं भगवान, प्रीति ना यावन मई वासुदेवे ना मुच्यते देह योगेन तावत, कि जब तक मुझसे प्यार नहीं होगा तब तक देह बंधन को स्वीकारना पड़ेगा।
है ना? सही बात। तो विभिन्न योनियों में इंसान भटकता रहता है, यानी विभिन्न योनियों में जीवात्मा जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। जब जब मनुष्य योनि मिलती है, तब तब हम भोग करना चाहते हैं, विषयों में रमना चाहते हैं, आंखों से जड़ीय रूप का पान करना चाहते हैं, जबकि ये आंखें हमें मिली हैं कृष्ण रूप देखने के लिए। अगर हम कृष्ण रूप नहीं देख पाते, भगवत रूप नहीं देख पाते, उनके श्री विग्रह को माया का मानते हैं, तो बताइए कहां से उन्नति होगी? क्योंकि भगवान स्वयं इस धराधाम पर जब प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जब उनको एक भक्त ने गिरिराज जी की एक छोटी सी शिला दी, गिरधारी जी, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको हृदय से लगा करके रोया करते थे, क्योंकि वो भक्त स्वरूप में थे। तो भक्त के लिए क्या आचरण होना चाहिए, वही वो दर्शा रहे थे। तो रोया करते थे और अपने आंसुओं से उन्हें नहला दिया करते थे, और रोते रोते कहते थे, विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि तुम कोई पत्थर नहीं हो, कोई मूर्ति नहीं हो, तुम तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, ठाकुर जी हो। तो श्री विग्रह आराधन जब तक हम नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हरि नाम का आश्रय नहीं लेंगे, जिसकी वजह से हमारे सारे कर्म करते हैं। अब कोई सोचे कि ठीक है, मैं हरि नाम करूंगा और पाप को काट लूंगा, तो वो बेकार है, क्योंकि हरि नाम बहुत ऊंची वस्तु हमें प्रदान करते हैं। हरि नाम हमें देते हैं भगवान का प्रेम, जिसके वश में हो जाते हैं श्री भगवान। अब इतनी उच्च वस्तु को प्राप्त करके, है ना, हरि नाम को प्राप्त करके हम सोचे कि हमारे पाप कट जाएं, पाप तो आनुषंगिक रूप से ही चले जाएंगे, पाप को हटाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, तो किस चीज की कोशिश करनी होगी? अपने उपास्य की महिमा को जानने की कोशिश करनी होगी। अगर भगवान कहते हैं कि मुझ वासुदेव से प्रेम करो, तो इसी चीज को दृढ़ करना होगा, तब आगे का रास्ता वो भगवान ही सुझाएंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, भगवान ने कहा है कि आगे का रास्ता वो हमें दिखाएंगे, वो बुद्धि योग देते हैं, ताकि हम एक महत व्यक्ति को प्राप्त कर सकें अपने जीवन में, ताकि हम भगवान के भक्त को प्राप्त कर सकें और उनके श्रीमुख से भगवत उपदेश सुन सकें, और उन उपदेशों को सुनते 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 हमारे मन की मैल समाप्त हो, हम भगवान के नाम का रटन करने लग जाएं, संकीर्तन करने लग जाएं, भगवान के नाम में पूरी तरह डूब जाएं, भगवान की महिमा समझ आ जाए, तब क्या होगा? तब हमें सूक्ष्म वस्तु दिखने लगेगी। सूक्ष्म वस्तु, ये जो दुनियावी बंधन है ना, ये दिखने लगेंगे कि ये बंधन ही है, ये दिखने लगेगा। अभी हमारी आंखों में मोह रूपी रतौंधी है, उस रतौंधी की वजह से हमें आसपास जो भी दिख रहा है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। आसपास ही नहीं, दूर के रिश्तेदार भी बड़े अच्छे लगते हैं, सारा दिन हम बस उन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो जब अंत समय आता है, तब जहां हमारी मति होती है उसी की प्राप्ति होती है। देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे समझ पाया, मुझसे प्यार कर पाया, तो फिर उसे मैं मिल जाता हूं। और अगर कोई अपने आप को चतुर समझे और ये ना समझे कि इंद्र तृप्ति के लिए की जाने वाली सारी चेष्टाएं समय की बर्बादी है, तो महाराज ऋषभदेव कहते हैं वो प्रमत्ता है। सातवें श्लोक में हमने यही बात सुनी थी कि वो प्रमत्त है, वो पागल है, वो आत्महित को भूल गया, और इस संसार में विषय वासना प्रधान और समस्त भौतिक दुखों के समुद्र में वो अपना परमानेंट घर बनाना चाहता है, यहां प्रसन्न रहना चाहता है। महाराज ऋषभदेव कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य मूर्ख पशु के जैसा ही होता है। तो सच में
इतने सुंदर उपदेश दिए हैं महाराज ऋषभदेव ने कि उनको सुनना और उन पर मनन करना बहुत जरूरी है, ताकि हम समय के बर्बाद होने से पहले, समय रूपी सुअवसर निकल जाने से पहले भगवान की तरफ मुड़ सकें, भगवान का भजन प्रारंभ कर सकें। है ना सही बात?